गाजीपुर से किरण नाई, वरिष्ठ पत्रकार की रिपोर्ट। शेर की दहाड़, अन्याय के खिलाफ न्याय की पुकार। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा गाजीपुर के कार्यकर्ताओं ने किया थाने का घेराव। खबर गाजीपुर जिले के बहरियाबाद थाना अंतर्गत की है, जहां पर एक मुकदमे को लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा गाजीपुर के युवा जिला अध्यक्ष श्री राजकुमार सिंह के नेतृत्व में सादात ब्लॉक अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों संग बहरियाबाद थाने का घेराव करते हुए युवा जिला अध्यक्ष ने बताया कि 5 नवंबर को ग्राम सभा बेलहरा में प्रधान पति जयप्रकाश सिंह के द्वारा उसी ग्राम सभा के विपक्ष के लोगों द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर टावर लगाने का कार्य किया जा रहा था, जिसको रोकने पर मारपीट हुई, जिसमें दोनों तरफ से मुकदमा पंजीकृत किया गया। लेकिन उसी थाने के नायब दरोगा जयदीप के द्वारा विपक्षी पार्टियों को उकसा कर महिला को सामने खड़ा कर जयप्रकाश सिंह और रवि मौर्य के खिलाफ छेड़छाड़ एवं जबरदस्ती का मुकदमा दर्ज कराया गया। जबकि उसी थाने पर अन्य महिलाओं ने इसको झूठ बताती रही, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर उनको भगा दिया गया और फर्जी मुकदमा कायम कर जयप्रकाश सिंह को जेल भेज दिया गया और बार बार उनको हिस्ट्री शीट की संज्ञा दी गई तथा एसआई जयदीप द्वारा गांव के अंदर घुसकर लोगों को धमकाना तथा यह कहना कि जो भी प्रधान पक्ष में गवाही देगा उसको जेल भेज दिया जाएगा। इस बात की पता जब युवा जिलाध्यक्ष को चला तब वह भड़क गए और इस बात को लेकर सभी ग्रामवासी व अपनी टीम के साथ थाने पर पहुंचे, जहां पर सक्षम अधिकारी को बुलाने की मांग की। तत्पश्चात क्षेत्राधिकारी जकनिया वहां पहुंचे तथा क्षेत्राधिकारी से वार्ता कर मांग की गई कि एसआई जयदीप को यहां से हटाया जाए तथा इस मामले की पूरी जांच किसी अन्य जगह से कराई जाए, क्योंकि यहां के थाना प्रभारी के रहते हुए न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है तथा जो जो लोग बयान देना चाहते हैं उनका कलम बंद बयान हो। क्षेत्राधिकारी द्वारा सारी मांगों को मानने के पश्चात धरना समाप्त हुआ। इस मौके पर युवा जिला अध्यक्ष ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, अगर फिर भविष्य में ऐसी घटना घटती है तो हम लोग उसका मुंह जवाब देंगे। और कुछ लोग ऐसे लोग थाने पर आए हैं जो सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री रवि सिंह, जिला महामंत्री आलोक रंजन सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष पंकज सिंह, मीडिया प्रभारी अमन सिंह, सन्नी सिंह, सत्य प्रकाश सिंह, बिटु सिंह, माखन सिंह, विक्की सिंह, सोनू सिंह, अभय सिंह, मुन्ना सिंह व ग्रामवासी उपस्थित रहे। इसमें 5 तारीख को घटना हुई थी, मारपीट की घटना हुई थी बेलारा ग्राम सभा में, जहाँ पे प्रधान पति है जेपी सिंह और कुछ दूसरे पक्ष के लोग जो उसमें ग्राम समाज की जमीन में टावर लगा रहे थे उनको रोकने के लिए गए थे, उसी को लेकर मारपीट की। मारपीट के बाद जो है उसमें एक महिला को आगे खड़ा करके उन पर छिड़काने का मुकदमा लगा दिया गया, जो कि यहाँ पे जो एक एसआई है जयदीप के कहने पर उस महिला को खड़ा किया गया और उसके ऊपर ये धारा लगाई गई। और उसके बाद जब धारा लगा करके बिना विवेचना के फरी डंजन को जेल भेज दिया गया। और जब लोग बयान देने आते हैं या कुछ कहने आते हैं तो ये गांव में घूम घूम करके जो यहाँ पे दुर्गा जी है ये धमकाते हैं कि कोई भी बयान देगा या कोई उनके पक्ष में खड़ा होगा मैं उनको जेल भेज दूंगा। आज उसी सब सिलसिले में लेकर के हम लोग आए थे और सीओ साहब से वार्ता किया। हम लोगों ने 2 मांगे रखी, सबसे पहले तो उनको हल्का बदल दिया जाए और विवेचना कहीं और से कराई जाए, तीसरी चीज इनको जितना जल्द से जल्द इस क्षेत्र से हटाया जाए, क्योंकि ये जहाँ रहेंगे गंदगी करेंगे, ये जो है घृणित मानसिकता के शिकार हो चुके हैं। इनको अंदर पुलिस की वर्दी मिलने पर इतना ज़्यादा एटीट्यूड है, ये अपने आप को मतलब वो नहीं समझते, जैसे गुंडई वाली भाषा हमेशा इनके है। हमने तो स्पष्ट कहा कि गुंडई कर ली तो ये वर्दी उतारी गुंडई कर लीजिए, हम भी सामने आप भी सामने हैं, तो ये इनका कृत्य है। इसी सब विषय में हम लोग यहाँ पे आए।